बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़र है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी, अपने देहात के अंदर जो हम गांव के अंदर बनाते थे, पेंट के अंदर बनाते थे, अपने वही रेसिपी मटन शोरबे वाला। शोरबे वाले मटन की अपनी एक लज़त होती है, एक टेस्ट होता है। तो चले आज की रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबर के नाम से। यानी जनाब हम तकरीबन 100 ग्राम घी डाल रहे हैं। घी हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम डाल देंगे मटन। यानी जनाब मटन डाल दिया हम, उसको पहले कर लेते हैं। घी भी डाल दिया हमने और मटन डाल दिया है। अभी इसको हल्की आंच पे जो है पहले फ्राई करते हैं। ये हल्की आंच पे क्या यह कहता है कि जल्दी गल जाएगा। अभी इसमें डाल देते हैं बाकी चीज़ें हम। इसमें अभी प्याज डाल रहे हैं तकरीबन तीन अदर प्याज और तकरीबन तीन ही जो है ना टमाटर। और साथ ही हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं, अदरक लहसुन और सब मिर्च। ये रह जाओ, अभी हम डाल रहे हैं रेड चिली और हल्दी, एक चम्मच रेड चिली और आधी चम्मच हल्दी। और ये नमक टेस्ट पड़ी, आप अपने टेस्ट अपने जायके के हिसाब से कर लो। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। आधा गिलास हम पानी डाल देंगे ताकि जितना भी सादा है टमाटर प्याज वगैरह सारे बिल्कुल जो है गल जाए। अभी इसको कर देते हैं ये फ्राई हो चुका है, तो सादा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे शोरबे के लिए पानी। पानी भी हमने गर्म कर लिया था। चलिए अभी इसमें हम शामिल करते हैं पानी। पानी को हमने गर्म कर लिया था। हम बना रहे हैं मटन शोरबे वाला। वाह, पानी थोड़ा सा और डाल लेते हैं। चलिए पानी हमने डाल दिया, अच्छा खासा डाल दिया पानी। अभी जो है इसको हल्की आंच पे पकने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन शोरबा जो हम बना रहे हैं मटन यखनी बिल्कुल अभी रेडी हो गया है। अभी करते हैं इसको डिश आउट। ये यखनी भी आप कह सकते हैं लेकिन ये शोरबा है, ये यखनी ही नहीं है, ये शोरबा। शोरबा हमने मटन शोरबा बनाया है, सालन बनाया जो आमतौर पर आम घरों के अंदर आम रूटीन में बनता है वही चीज़। तो अभी इसको करते हैं डिश आउट और फिर इसकी गार्निश कर लेते हैं और आज की हमारी वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। तो चले अभी डिश आउट करते हैं। यानी जो डिश आउट हमने कर लिया, ये सालन बिल्कुल बिल्कुल देहाती अंदाज में हमने बनाया है शोरबे वाला मटन, जो अमूमन आमतौर पर घरों में बनाया जाता है। कौरमा शोरमा नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सादा शोरबे वाला हमारा मटन। अभी इसकी कर लेते हैं गार्निश सबज धनिए से। अभी कर लेते हैं गार्निश सब्ज़ धनिया की और सब मिर्च की। हम तकरीबन चुटकी के काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च और जीरा। मसाले के अंदर काली मिर्च जीरा ये खाने की जान है।
और सब मिर्च। बहुत ही प्यारी और यमी लुक आ रही है। उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आप मेरे YouTube फैमिली को पसंद आएगी। आप भी बिल्कुल यूनिक सा ये शोरबा टाइप मटन बनाएं या बीफ बनाएं, जो भी, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये ना जी, डिश ऑर्डर हो चुका है, गार्निश कर दी है और मसाला वगैरह हमने काली मिर्च और जीरा डाल दिया है। बहुत ही यमी और यूनिक हमारी आज की मटन की शोरबे वाली रेसिपी बनी है। उम्मीद है कि मेरी YouTube फैमिली को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखें, लाइक करें, और जो दोस्त नए होते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।